अरे जंगली जानवर पढ़ाई वढ़ाई भी करता है। हाँ सर करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। रुक जा, इस श्लोक का अर्थ बता। कर्मण्य वधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। जल्दी बता इसका अर्थ। हाँ पता है मुझे, पता है इसका अर्थ मुझे पता है। तो बता जल्दी। राधिका शायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है, यही है इसका अर्थ। अरे मूर्ख जड़ बुद्धि, ये इसका अर्थ नहीं है। चल कोई और सवाल पूछता हूँ, उसका अर्थ बता। ठीक है मास्टर जी। बहुनी में व्यतितानी जन्मानी तबु चार्जुन। जल्दी इसका अर्थ बता। हाँ मास्टर जी इसका अर्थ मुझे पता है मुझे पता है। बता जल्दी। इसका अर्थ है मेरी बहू के कई बच्चे पैदा हो चुके हैं, सभी का जन्म 4 जून को हुआ है। मास्टर जी मैंने ठीक कहा ना? हरामखोर निकल जा मेरी क्लासरूम से। बच्चों क्लास में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ मास्टर जी आपने एकदम ठीक कहा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ ये समझदार बच्चा लगता है मुझे। हाँ तो बेटा बताओ तो क्लासरूम में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए? जी सर क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। बैठ हरामखोर। बच्चों बताओ 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, बैठो नीचे। अब कालू तुम बताओ 1872 में क्या हुआ था? सर इस साल गांधी जी 3 साल के हो गए थे, मैं बैठूं क्या सर? तुम बैठो ना, तुम मरो कहीं जाकर। अच्छा बच्चों बताओ अकबर कौन था? सर मैं बताऊं मुझे आता है। हाँ बताओ। सर अकबर गे था। क्या तुम पागल हो गए हो? बताओ ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर हम सब ने सुना है लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, इन सब में सब लड़का और लड़की थे, लेकिन बस केवल अकबर और बीरबल थे जिसमें दोनों ही लड़का है सर। वो कौन सा पंछी है जो सबसे तेज उड़ता है? सर हाथी। नालायक हाथी उड़ता है? बता तेरा बाप क्या करता है? सर दाऊद के गैंग में शूटर है। शाबाश बेटे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। सब लिख लो बच्चों, हाथी सबसे तेज उड़ता है। अच्छा कालू ABC सुनाओ। हाँ सर सुनाते हैं ABC। और सुनाओ। हाँ सर और सब बढ़िया है, आप सुनाओ।